तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज वजन घटाने के लिए डाइट चार्ट की, इसको कैसे बनाएं और इसको कैसे अपनाएं। आप सबका स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल सात्विक सेहत में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी अच्छी सेहत की, अच्छे रहन सहन की और एक सुखदायी जीवन यापन के तरीकों को समझने की और जानने की, जिससे आप रोग मुक्त रह सकें और एक खुशहाली जीवन जी सकें। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करने वाले हैं वजन घटाने के लिए आहार चार्ट की। आहार चार्ट को जानने से पहले आइए जानते हैं मोटापा क्या है। मोटापा किसी के लिए भी परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बन जाता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका थुलथुला ढीला भारी भरकम शरीर हो। यह आपके पूरी पर्सनैलिटी की रौनक को खत्म कर देता है। ज्यादा मोटापा सिर्फ सुंदरता ही कम नहीं करता बल्कि शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। एक अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान स्वस्थ शरीर से ही होती है। आजकल बिजी लाइफस्टाइल के चलते सभी अपने फिटनेस का ख्याल नहीं रख पाते, पर आप अपने काम में तभी परफेक्ट हो पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा और आप फिट होंगे। ऐसे में लोग वजन घटाने करने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, डाइटिंग करते हैं, कई बार दवाइयां भी लेते हैं, जबकि मोटापा कम करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपने पेट को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सही डाइट चार्ट फॉलो करें। डाइट चार्ट को फॉलो करना या कहें कि आहार चार्ट को सही तरीके से अपनी जिंदगी में ढालना एक बहुत ही अनिवार्य कार्य है। डाइट चार्ट में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आपको ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहें। वैसे ज़रूरी नहीं कि हर शख्स पर यह पूरी तरह से लागू होगा, हालांकि आप इसमें थोड़ा फेरबदल भी कर सकते हैं। जब आप वज़न कम करना शुरू करते हैं तो शुरू में आमतौर पर सभी लोगों का वज़न 2-4 किलो कम हो जाता है, मगर बाद में फैट कम नहीं होता। इसलिए हर बार आपको अपना डाइट चार्ट पहले के मुकाबले ज़्यादा हार्ड बनाना होता है। वज़न घटाने के लिए इस डाइट चार्ट को आप आज़मा कर देखें, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। वैसे तो हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना और उसके द्वारा की जाने वाली मेहनत के हिसाब से खान पान की आवश्यकता अलग अलग होती है। इसके लिए बेहतर होगा BMR निकाला जाए। BMR मतलब बॉडी मास रेशो, जो यह बताएगा कि शरीर को कम से कम कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। शरीर का वजन कम करने के लिए कम कैलोरी लेनी चाहिए और इसके लिए बैलेंस डाइट चार्ट बनाया जाना जरूरी होता है। दिमाग सुचारू रूप से काम करे और शरीर थके नहीं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1200 से 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इतनी कैलोरी ऊर्जा के रूप में शरीर में बेहतर ढंग से संरचित हो जाती है, जो कि फैट के रूप में नहीं जमती। 3 मुख्य भोजन जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना 300 से 350 कैलोरी का रखें। बाकी बचे 300 कैलोरी में स्नैक्स तथा अन्य चीज़ों को रखें। बेवरेज के तौर पर ग्रीन टी अपनाएं। ग्रीन टी वज़न कम करने में सहायक है। दोस्तों जो भी खाना खाएं, सभी गेहूं से बना हो या ब्राउन चावल हो, मैदा या सफ़ेद चावल न खाएं। दोस्तों आपको नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने को ऐसे डिवाइड करना है। अगर हम बात करें तो सुबह उठते ही पानी पिएं, हो सके तो कम से कम 2 गिलास और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी पिएं। पानी हल्का गुनगुना होगा तो अच्छी बात है, वरना जैसे आपको ठीक लगे। दोस्तों अगर हो सके तो कुंजल करें, यह एक योगिक क्रिया है जिसे वमन धोती भी कहा जाता है। इसमें तकरीबन 2 लीटर हल्का गर्म पानी पीकर उल्टी की जाती है। अगर BP की प्रॉब्लम नहीं है तो पानी में हल्का नमक भी मिला लें। ध्यान रहे, BP की प्रॉब्लम वाले लोगों को नमक नहीं मिलाना है। यह वैसे तो बहुत ही आसान है, मगर बेहतर होगा शुरू में आप
किसी जानकार के सामने यह करें, उसके बाद खुद को अपने आप कर सकते हैं। अगर नाश्ते की बात करें तो नाश्ते में ओट्स बनाएं, मगर ये इंस्टेंट ओट्स ना हो। सादे ओट्स का पैकेट लाएं और उसमें प्याज, लहसुन, दालचीनी, ज़रा सी मंगरेल उर्फ कलौंजी डालें, बाकी नमक आदि तो डालना ही है। इसमें मौसम के हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं, हो सके तो ब्रोकली डालें या कॉर्नफ्लेक्स और डबल टोन दूध, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 3 या 4 उबले अंडे का सफ़ेद हिस्सा डाल सकते हैं। चाहे तो बिना चीनी वाली नींबू की शिकंजी भी पी सकते हैं। शिकंजी पहले पिएं, बाद में अंडे खाएं, या कभी कभी आप नाश्ते में दही के साथ उबला आलू भी ले सकते हैं। इसमें हरा धनिया भी डाल लिया करें। दोस्तों, जानिए ब्रंच के बारे में। 5 से 10 बादाम खाएं, साथ में कॉफ़ी या ग्रीन टी या अदरक, तुलसी, दालचीनी, इलायची वगैरह की चाय बना सकते हैं। बस इसमें चीनी की बजाय शुगर फ्री हो। लंच में 1 कटोरी ब्राउन राइस, सलाद, दाल, मल्टीग्रेन आटे की 1 या 2 रोटी आप ले सकते हैं। शाम की चाय की बात करें तो कोई वेज सूप या भुने चने के साथ चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी आप ले सकते हैं। दोस्तों, रात के खाने की बात करें तो 1 कटोरा वेज सूप, 1 कटोरा सलाद या 1 बड़ा कटोरा पपीता या 1 कटोरा भरकर सब्जियां, इसमें लहसुन प्याज ज़रूर हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 3 एग व्हाइट या 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट या 2 लेग पीस आप खा सकते हैं। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहते तो इसका प्रयोग ना करें। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप इन चीज़ों का ही सेवन करें, ज़रूरी ये है कि आप कैलोरी सही मात्रा में लें। इसके साथ ही तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें और व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि आपको मोटापे से बचने के लिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ऐसे खुद को बचाने के लिए इन चीज़ों को खा सकते हैं और मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सलाद खाएं, लो कैलोरी फूड लें, मोटे अनाज को शामिल करें, सबसे अहम बात चबा कर खाएं, शहद और नींबू का भी सेवन कीजिए, डेयरी उत्पाद जैसे दही व मक्खन आदि ज़रूर लें, सबसे उपयोगी नट्स जैसे मूंगफली व बादाम आदि खाएं, खट्टे फल जैसे सिट्रस फ्रूट्स आदि का उपयोग सबसे ज़्यादा करें, सूप पिएं और पालक भी खा सकते हैं आप। दोस्तों, आप सेब का सेवन भी कर सकते हैं, दाल, दलिया, अंडा, विनेगर, एवोकाडो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों का सेवन कर आप मोटापे से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मोटापे से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ज़्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई व खीर से आप दूर रहें। ज़्यादा चीनी वाले पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक व शरबत का सेवन बिल्कुल ना करें। ज़्यादा तेल वाले खाद्य पदार्थ जैसे फ्रेंच फ्राई व चिप्स, इनका सेवन ना करें। दोस्तों, वज़न घटाने के लिए डाइट चार्ट को अपनाने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। एक्सरसाइज जैसे सुबह शाम आप टहलें, हमेशा सैर करने के लिए जाएं, हो सके तो रस्सी फांदने का अभ्यास करें। अगर आपको स्विमिंग का शौक है तो स्विमिंग ज़रूर कीजिए, यह एक कैलोरीज बर्न करने के लिए बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, दिन में 1 बार साइकिलिंग ज़रूर करें। अगर आजकल की बात करें तो जुम्बा या डांस क्लास भी वज़न घटाने के लिए उपयोगी हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, व्यायाम के अलावा
योगासन से भी वजन घटाया जा सकता है। आजकल योगा का चलन बहुत आम हो गया है। योगासन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वजन घटाने के लिए चक्रासन, भुजंगासन, वीरभद्रासन और नवासन, सबसे अहम आप सूर्य नमस्कार भी जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, वजन घटाने के लिए जितना ज़रूरी है कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं, उसके साथ साथ आपको कुछ उपाय भी ध्यान में रखने ज़रूरी हैं, जैसे कि समय पर नाश्ता करें। दोस्तों, नाश्ता पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण डाइट होता है। हम आपको बता सकते हैं कि सुबह का नाश्ता हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, इसलिए नाश्ता आप भरपूर करें। दोस्तों, ये कहना आसान हो सकता है कि आप डिप्रेशन से बचें, क्योंकि मोटापे का कारण डिप्रेशन भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको टहलना या घूमना ज़रूरी चाहिए। ऐसे काम करें जिससे आपको खुशी मिले और आप डिप्रेशन से बचे रहें। दोस्तों, एक अहम हिस्सा आपकी नींद भी है। शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि नींद पूरी ना होने के कारण वजन बढ़ सकता है, क्योंकि नींद की कमी से शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता और ग्लूकोज सहिष्णुता में कमी आती है। इससे शरीर में लेप्टिन का स्तर घटता है और हमारी भूख बढ़ती है। दोस्तों, आइए अब जानें कि वजन घटाने के लिए डाइट रेसिपी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए डाइट रेसिपी का इस्तेमाल करके आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ आसान रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप अपना वजन घटा सकते हैं। दोस्तों, फलों का सलाद बनाने के लिए आप आधा पपीता, एक केला, आधे से थोड़ा कम तरबूज, एक सेब, 5 से 6 अंगूर, नींबू, चुटकी भर नमक या चुटकी भर काली मिर्च ले सकते हैं। अब आपके फलों का सलाद तैयार है, आप इसका आनंद लें। दोस्तों, सब्जियों का सूप आप बना सकते हैं। एक पत्ता गोभी का थोड़ा सा भाग, आधा या एक गाजर, 5 बीन्स, नींबू, चुटकी भर काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी अजवाइन या उसके डंठल और एक चुकंदर। अब जानते हैं इसको आप बनाएं कैसे। पत्ता गोभी, चुकंदर और गाजर को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लें। अजवाइन के डंठल को छोटे टुकड़ों में काटें। उसके बाद बीन्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक पतीले में पानी उबालें और सारी सब्जियों को उसमें डालें। सब्जियों को थोड़ी देर तक पकने दें। एक कटोरे में डाल लें। आखिर में नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालें और अच्छी तरह से सब्जियों को मिला लें। इसका सेवन करें और इसका आनंद लें। हर क्रिया को खुशी खुशी करें, इसमें अपना पूर्ण रूप से योगदान दें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में अपना पूरा ध्यान दें, इसे एंजॉय करें, अपने शरीर को हल्का महसूस होने दें, कभी भी जोर ज़बरदस्ती खुद से ना करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इन सभी बातों से लाभ हो और आप मोटापे से छुटकारा पा सकें। हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, बेहतर से बेहतरीन जानकारी आपको पहुँचाएँ। दोस्तों, हमारी इस कोशिश की सराहना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज सात्विक सेहत में इतना ही। आपका दिन शुभ हो और आप अपना जीवन खुशी से बिताएं। धन्यवाद।